वन वेलकम टू एडु टैब एंड वेलकम बैक टू द सेशन सो दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ रीजनिंग फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम राइट सो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स बिल्कुल बेसिक से करेंगे और आपके आरबीआई ग्रेड बी लेवल तक हम यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिसके लिए हमें बेसिक क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? सो so, इस जो ये चैप्टर है इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज ये क्या होता है क्वेश्चन मिलेंगे बट स्टिल होंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर और यहां से आप टाइम भी आप अपना क्या कर सकते हो कम से कम टाइम में यहां से क्वेश्चन सोल्व करके वो टाइम किसी और क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो राइट right? सो so, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इस चैप्टर को प्रैक्टिस जरूर करनी है सो लेट स्टार्ट द चैप्टर विदाउट फॉर्द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं तो, है, तो साउथ है, तो नीचे को ही बनाएंगे अब इनके बीच में कुछ दूसरी डायरेक्शन आती है जिन्हें हम बोलते हैं सब डायरेक्शन जैसे ये वाली, ये वाली, और ये वाली, और क्या है हमारी इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं इस डायरेक्शन में आपके नॉर्थ ईस्ट में कहा है नॉर्थ ईस्ट में तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इस वाले डायरेक्शन को आप बोलते हो नॉर्थ वेस्ट ये वाले डायरेक्शन को आप बोलते हो साउथ वेस्ट और इस वाले डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट करेक्ट सिंपल है इसका मीनिंग यह है कि मान लीजिए ए से हमें बी की डायरेक्शन निकालनी है सो बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए सो ए से जो है वो बी कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है आपको साउथ की तरफ है और कहा है ईस्ट की तरफ है ओके okay. आपको बस क्या करना होता है यहां एक प्लेन इमेजिन कर दो इस टाइप से ऊपर नॉर्थ है यहां हमारा ईस्ट है यहां वेस्ट और यहाँ साउथ है बस जहां से पूछा गया है वहां से अब आप देख सकते हो कितने में है साउथ ईस्ट में है कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज गन्फुज, कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में बट स्टिल आप इसको कर सकते हो ठीक है पहले पहले ऐसे इमेजिन करके कर लो बाद, -बाद में धीरे धीरे हो जाएगा राइट अब मान लीजिए जैसे जी जो है वो कहाँ है डी के कौन से डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू जी विद रिस्पेक्ट टू डी जी इज इन विच डायरेक्शन ठीक है तो यहां पे देखोगे डी से अगर आप प्लेन यहां पे इमेजिन करोगे ये प्लेन तो ये ऊपर नॉर्थ है और ये वेस्ट डायरेक्शन है तो कौन सी डायरेक्शन दिख रही है आपको वेस्ट डायरेक्शन तो जी इज इन वेस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी राइट सो इस टाइप से आपको यहाँ पे ये चीजें काम आएगी अब देखते हैं कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेसिंग, तो फेसिंग है तो उसका लेफ्ट और राइट कैसे चेंज होता है कोई पर्सन अगर साउथ फेसिंग है तो उसका लेफ्ट और राइट कैसे जैसे आपका हाथ है लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड राइट हैंड राइट साइड यहां पे कोई पर्सन अगर साउथ फेस कर रहा है कोई पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो उसके उसमें कैसा होगा ये उसकी अब लेफ्ट डायरेक्शन बन जाएगी और ये उसकी अब राइट right डायरेक्शन बन जाएगी कुछ इस तरीके से ठीक है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सपोज ये पर्सन अगर ईस्ट की तरफ देख रहा है ये पर्सन कहां देख रहा है ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, so, अब उसका right जो है आप नीचे की साइड उसको टर्न कराओगे अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो आप उसको ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है सो द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फेस ऑफ द पर्सन ठीक है जिस भी डायरेक्शन में उस पर्सन का फेस है वहां से आपका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा बट दीज एट डायरेक्शन से अभिषेक वॉक्स 100 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन सो कहीं से भी अभिषेक जो है नॉर्थ की तरफ मूव कर गया है 100 मीटर से तो so किसी भी पॉइंट से अगर आप अभिषेक ने स्टार्ट किया है सपोज दिस पॉइंट इज ए ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट को हमेशा नेम दो और स्टार्टिंग पॉइंट से याद रखो कि कहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और डेस्टिनेशन पॉइंट है फाइनल पॉइंट राइट सो यहां से अभिषेक ने स्टार्ट किया 100 मीटर के डिस्टेंस पे ठीक है आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट मतलब यहां तक पहुंचकर ही ही स्टॉप्ड एंड देन स्टार्टेड वॉकिंग 60 मीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन भाई देखो अब जो ये पॉइंट है यहां पे से वो स्टॉप हुआ एंड साउथ की तरफ चला साउथ तो नीचे कोई होगा इट मीन जहाँ चल रहा था उसी पॉइंट से वो नीचे आ गया है और 60 मीटर सो so यहां से अब अभिषेक कहा है 60 मीटर ये पॉइंट अब अभिषेक का नया पॉइंट है क्लियर अब देखिए ये उसकी साउथ डायरेक्शन है अभी है ना आगे देखिए एंड देन थर्टी मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड रीच हिज डेस्टिनेशन आफ्टर दिस इस मूवमेंट के बाद वो क्या है ईस्ट में भी गया तो ईस्ट आपका इधर की साइड है तो इधर की ही साइड आप बनाओगे और कितना चला है वो थर्टी मीटर उसने मूव किया है सो थर्टी मीटर आपका यहां पर आ गया यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और ये हंड्रेड कहां से कहां तक का डिस्टेंस है ये ध्यान रखना आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है हंड्रेड हमारा ये कंप्लीट डिस्टेंस था Right. आगे देखिए पूछा क्या गया है फर्स्ट क्वेश्चन पोजीशन तो भाई आपका जो फाइनल है वो तो पोजिशन है तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है क्या पूछ रहा है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा ध्यान रखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा आपका क्या होता है किसी दो पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये वाला

Is equal to under root, आपको अंडर रूट करना है ओपी का डिस्टेंस ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्र इन दोनों के स्क्वायर को सम करके आपने अंडर रूट करना है बस और कुछ नहीं करना ठीक है ये हमने बचपन में सिखाया थी इसमें हम क्या करते थे राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता था उसकी एक साइड अगर नहीं निकली है तो एक साइड हम निकाल सकते हैं राइट यही तो यहां से हमारे पास क्या है देखो ओ और पी कितना है देखो आप यहाँ पे से मान लीजिए दिस पॉइंट इज ओ तो हमारे पास ओपी आपको थर्टी दिख रहा है तो यहाँ पे देखो थर्टी स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे ओ ए कितना दिख रहा है देखो अभी आपके पास ओ ए की डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे आपको गिवन डायरेक्ट नहीं होगा आपको निकालना पड़ेगा ये कंप्लीट डिस्टेंस हमारा कितना है हंड्रेड है ये आधा डिस्टेंस आपको दिख रहा है सिक्सटी है तो भाई बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना होगा यही तो आपको निकालना है तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा हंड्रेड माइनस जो बाकी दिया हुआ है सिक्सटी तो कितना हो जाएगा फोर्टी आ जाएगा ये आपका राइट right. कैसे आया पूरा डिस्टेंस, है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस आपको, आपको क्या हो रखा है ये भी किवन है ये वाला निकालना था तो कैसे आएगा बड़े में से छोटा डिस्टेंस माइनस कर दो बाकी का आ गया राइट right. अब आगे देखिए ये आ गया हमारा फोर्टी का स्क्वायर तो ये कितने हो गए हमारे पास नाइन हंड्रेड प्लस सिक्सटीन हंड्रेड तो अगर आप इसको देखोगे ये हंड्रेड और हंड्रेड तो बाहर चला जाएगा राइट देखो अगर सम करेंगे यहां पे हम यहां पे कर लेते हैं ठीक है ये हो जाएगा हंड्रेड जो डबल जीरो है तो एक आपका बाहर आ जाएगा ये और फाइव मतलब ट्वेंटी फाइव किसका स्क्वायर होता है फाइव का सो so फिफ्टी आपका यहाँ पे आंसर आ गया फिफ्टी मीटर विल बी आर आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखो इन विच डायरेक्शन इज हिज डेस्टिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वेयर इज स्टॉप कहां पर रुका कहां पर था वो ये पॉइंट उसका क्या था स्टॉपिंग पॉइंट था ये कौन सा था स्टॉपिंग पॉइंट था उसका है ना अब उसकी स्टार्टिंग की सॉरी इन विच डायरेक्शन इज हिज डेस्टिनेशन ये जो पॉइंट है इसके बारे में पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में तो so यहां से देखो ये जो पॉइंट है आपको कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है साउथ में है और साउथ कौन से है ईस्ट की तरफ कौन सी है साउथ ईस्ट की तरफ सो आंसर विल बी साउथ ईस्ट क्लियर सो इस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन ठीक है चलिए आगे देखते हैं यहां से नाउ एंगल बेस्ड मूवमेंट अब इसको सीखना हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आपने इसमें बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है तो तो हमारे यही एंगल बेस्ड मूवमेंट हमें सीखना है कि अगर अभी तक लेफ्ट और राइट ना बोल के वो एंगल्स में आपको मूव कराए करा तो कैसे आप टर्न करोगे वहां पे देखिए अगर कोई पर्सन नॉर्थ है और कोई पर्सन ईस्ट है तो यहाँ पे आप दिख रहे हो इन दो डायरेक्शन के बीच में हमारे पास कितने का डिस्ट, डिग्री है कितने की एंगल है नाइनटी डिग्री का एंगल है यहाँ पे भी आपका नाइनटी डिग्री का एंगल है ठीक है ऐसे ही ये वाली जो डिस्टेंस ऐसे करके आपका एक आ रही है लाइन यहां से इन दोनों के बीच में आपका कितने का एंगल है फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल है तो यहीं से हम सबसे पहले सीखते हैं दो टर्म्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या सीखते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज मींस क्या होता है देखो जैसे नेम सही समझ आ रहा है ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ क्लॉक ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ क्लॉक अपनी यहाँ जो घड़ी है आपकी घड़ियां हैं उसको इमेजिन करो एक बार और देखो अगर आपकी घड़ी बारह एक दो ऐसे करके सीधी चल रही है तो औ, एंटी क्लॉक क्या होगा आपकी घड़ी कैसे चल रही है उल्टी चल रही है पहले ग्यारह बज गया फिर बारह बज गया ऐसे होता था पर अब क्या हो गया बारह फिर एक फिर दस फिर ऐसे उल्टा जा रहा है तो ये क्या हो गया ऑपोजिट तो टू द मूवमेंट ऑफ क्लॉक ये हमारी हो गई एंटी क्लॉक डायरेक्शन कैसे ऐसे वाले इस टाइप को तो इसको आप लेफ्ट डायरेक्शन में बोल सकते हो किसी भी पॉइंट से आप खड़े होंगे वहां पे से आप लेफ्ट मोड़ लो लेफ्ट टर्न कर लो वो आपकी एंटी क्लॉक वाइज होगी किसी भी डायरेक्शन में आप हो क्लॉक कहीं से भी आप राइट की तरफ टर्न कर लो जहां पे भी आप खड़े हो वहां से अगर आप राइट टर्न करोगे दैट विल बी योर डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द क्लॉक ये मूवमेंट क्या होती है अकॉर्डिंग टू द क्लॉक मूवमेंट ठीक है चलिए भाई तो ये दोनों टर्म हमने याद कर ली अब देखो यहां पे ये यूज कैसे होता है हमारे पास कोई पर्सन सपोज दैट पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ अब वो पर्सन क्या गया क्या किया फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट ए ही टर्न्ड 45 डिग्री क्लॉकवाइज़ अगर हमको ऐसे बोल दिया है तो आप इसको कैसे टर्न कराओगे अभी देखो अगर सिर्फ 45 डिग्री टर्न के लिए कहा है तो वो पर्सन एक ही जगह पे खड़ा है बस वो सिर्फ अपना फेस टर्न कर रहा है तो मैं एक ही जगह पे खड़ी बट अभी मेरा सिर्फ फेस टर्न हो गया तो पहले अगर मेरी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होनी थी बट अब मेरी मूवमेंट कहा होगी इस डायरेक्शन में होगी ठीक तो ये हाँ है आपका यहां पे है अब देखो कोई पर्सन अगर नॉर्थ मूवमेंट चल रहा था उसका नॉर्थ में चल रहा था वो ठीक है और यहां से जाना था उसने ऐसे करके उसके सेम जो नॉर्मल मूवमेंट होता है वो ऊपर को ही होता है बट एक पॉइंट पे आके उसने क्या किया टर्न कर दिया कितना डिग्री 45 फाइव एंटी फोर्टी फाइव क्लॉक वाइज डायरेक्शन की तरफ है तो उसका राइट साइड यही यही होगा clockwise यही जाएगा ठीक है तो कंफ्यूज नहीं होना क्लॉक वाइज समझ आ रहा है तो क्लॉक वाइज देखो नहीं तो राइट मूव करवा दो राइट right उसका यही होगा यहां उसने कितना टर्न करना है फोर्टी डिग्री पर फोर्टी डिग्री मतलब आपका कहा है देखो यहां से ये यह क्या है रेफरेंस लाइन है आपकी तो यहां से वो अब क्या हुँ? हिल गया अपने लाइन पे उसने जहां जाना था वहां से क्या हो गया वो डाइवर्ट होगा कितना 45 डिग्री ही तो यहां से वो 45 डिग्री बनाएगा क्लियर तो 45 डिग्री जैसा आप देख सकते हो बीच की लाइन है तो 45 डिग्री मतलब अब उसकी जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी इस डायरेक्शन में होगी ऊपर की तरफ नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहले नॉर्थ की तरफ था बट अब उसकी डायरेक्शन कहा होगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ राइट सो अब वो मूव कहां करेगा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा It? अब कोई पर्सन अगर ईस्ट फेस कर रहा है सपोज सम इफ अ पर्सन इज फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन राइट अब यहां से उसने क्या कर दिया यहां से टर्न नाइंटी डिग्री एंटी क्लॉक टर्न नाइंटी डिग्री एंटीक्लॉक वाइज तो आपको क्या करना है यहाँ पे से देखना है एंटीक्लॉक वाइज कहां होगा देखो किसी पर्सन के लेफ्ट की साइड को एंटी क्लॉक आप ऊपर उल्टी चलेगी तो आपकी घड़ी ऐसे चलेगी ठीक है देखो ऐसे इस तरीके से से राइट सो आपको क्या करना है है ऊपर की तरफ इसको टर्न कराना है 90 डिग्री तो 90 डिग्री देखो क्या होगा ये पर्सन जा रहा था ऐसे करके राइट तो यहीं से अब ये टर्न होगा यहीं से डाइवर्ट होगा इसी लाइन से 90 डिग्री बनाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा तो अब कहा जाएगा ऊपर की तरफ ये ऐसे करके जाएगा 90 डिग्री कहां बनता है जो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी अब जो डायरेक्शन उसकी नहीं हो जाएगी इस तरफ तो यहां पे 90 बनता है हमेशा ध्यान रखिएगा दूसरी तरफ तरफ नहीं इस तरफ 90 बनता है राइट सो so, अब उसके मूवमेंट होगी वो होगी नॉर्थ की तरफ अब उसकी मूवमेंट होगी यहाँ पे हमारा क्या था नॉर्थ ईस्ट था और यहां पे उसकी मूवमेंट अब नॉर्थ हो गई है गॉट इट सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा राइट चलिए अब अगर कोई पर्सन यहां से 135 डिग्री मूव कर रहा है अगर कोई पर्सन आप मान लीजिए 135 डिग्री मूव करा रहे हो तो कैसे कराओगे मान लीजिए ही वाज फेसिंग नॉर्थ अब उसको 135 मूवमेंट कराएं तो आप कैसे कराओगे 135 मतलब 90 प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री क्लॉकवाइज ठीक है क्लॉकवाइज तो अब यहां से उसने जाना था ऐसे ऊपर की तरफ जाना था ये उसका रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए था ये उसकी असली डायरेक्शन होनी चाहिए थी बट क्या हुआ इस पॉइंट के बाद वो अपनी चेंज कर देगा 135 तो पहले इस डायरेक्शन से 90 बनाओ यहाँ पे आएगा ऐसे ईस्ट में देख देखेगा वो एंड आपका भी काम नहीं हुआ आपको 45 डिग्री और मूव कराना है तो यहाँ से 45 और मूव कराओ तो अब आपकी डायरेक्शन कौन सी होगी ये वाली साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन इट तो ये हमारे पास अब उसका टर्निंग पॉइंट है अब वो मूवमेंट जो भी करेगा वो कहां करेगा साउथ ईस्ट की तरफ करेगा राइट चलिए सो आई होप आपको ये एंगल मूवमेंट अच्छे से समझ में आया होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में अब हमारे एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये देखिए अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ फर्स हिटर्न फोर्टी फाइव डिग्री इन द क्लॉक डायरेक्शन डिग्री इन द क्लॉक इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ देखो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है, कोई distance movement नहीं हो रहा है. तो सिंपल है आपका पर्सन एक ही पोजिशन पे खड़ा है हम वो जो एरोज बना रहे हैं वो उसके सिर्फ डायरेक्शन है कोई आपका डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है राइट तो पर्सन सिर्फ एक बार यहाँ चेंज हो रहा है फिर उधर चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ओके तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा तो पर्सन सबसे पहले नॉर्थ फेस कर रहा था तो उसकी पोजीशन भी ऊपर की तरफ होती बट यहां से उसने 45 टर्न किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहां से उसने 45 जो टर्न किया है अब उसके जो यहां से इस रिफरेंस से आप 45 बनाइए ठीक है 45 आपका बनेगा तो अब वो पर्सन की डायरेक्शन इधर होगी बट अभी भी काम नहीं हुआ है आफ्टर दिस ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉक वाइज अगेन अब देखो ये पर्सन ऐसे फेस करे तो इसका राइट डायरेक्शन अगेन नीचे की तरफ ही होगा क्लॉक नीचे ही बनेगा तो यहां से इस डायरेक्शन से From this direction he will make a, again he will make a 90 degree. तो यहां से आप 90 degree बनाओ तो वो person अब कहां face कर रहा है यहां पे face कर रहा है कहां face कर रहा है नीचे की तरफ face कर रहा है ऐसे करके ठीक है क्या है इसका मतलब अब वो पर्सन साउथ ईस्ट में फेस कर 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 रहा 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 है। है? है। पहले वो पर्सन फेस कर रहा था? फेस कर रहा था? था। नॉर्थ में तो तो लास्ट डायरेक्शन उसकी क्या साउथ ईस्ट तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, अंजलि डिस्टेंस ट्वेंटी फाइव मीटर अब यहां से वो

45 डिग्री पर तो अब वो पर्सन फेस कर रहा है इन डायरेक्शन मूविंग फाइनली अब वो कहा मूव करने वाली है ये साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन में वो मूव करने वाली है गॉट इट तो ये हमारा आंसर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक बड़ा सा क्वेश्चन है हमारे पास इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए ही स्टार्ट्स वॉकिंग एंड वॉक्स टुवर्ड्स हिज वेस्ट तो किसी भी पॉइंट से कोई पर्सन है खड़ा है ए पे और उसने चलना शुरू किया है कहा वेस्ट की तरफ तो देखो कोई भी पॉइंट ए होगा उसका वेस्ट आपका यही डायरेक्शन होगा एंड वॉक्स फॉर सिक्स मीटर एंड रीच तो सबसे पहले तो सिक्स मीटर चले वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले गए एट पॉइंट बी देन ही टेक्स ठीक है देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न देखो अ पॉइंट अ पर्सन

पांच मीटर तक चलेगा एंड रीच एट पॉइंट सी यहां से वो फाइव मीटर तक चलेगा और रीच कहा जाएगा वो पॉइंट सी पे पहुंच जाएगा ठीक है नाउ देन ही टेक्स अ लेफ्ट लेफ्ट टर्न टर्न अगेन यहां से एक और लिया है एंड फॉर थ्री मीटर वो चलेगा सो so, यहां यहां से से अब देखो यहां से आपका लेफ्ट टर्न कहाँ होगा इधर के साइड सो so, कितने तक चलेगा थ्री मीटर तक चलेगा दिस विल बी हिज थ्री मीटर गॉट इट धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है ये मूवमेंट कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप जल्दबाजी में करो ठीक है देन ही टेक्स अ राइट टर्न यहां से वो राइट right टर्न लेगा तो नीचे की तरफ आएगा एंड वॉक्स फॉर फोर मीटर एंड रीच एट पॉइंट डी यहां से वो फोर मीटर चलेगा फोर मीटर चलेगा और कहां पहुंचेगा पॉइंट डी पर नेक्स्ट पॉइंट ए इज फोर मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ विच इज सिक्स मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट डी तो पॉइंट डी ये रहा पॉइंट डी का सिक्स मीटर ईस्ट उधर की साइड होगा राइट right? तो आप देखो थ्री मीटर ऑलरेडी ये है तो यहां से लेकर यहां तक भी थ्री मीटर होंगे क्यों होंगे देखो ये कंप्लीट सिक्स है तो आपको ध्यान रखना है साथ साथ में बनाते टाइम भी दिस इज हाफ थ्री एंड दिस विल बी हाफ थ्री नाउ यहां से लेकर यहां तक भी आपका क्या है थ्री है क्योंकि जो पॉइंट एफ है वो कंप्लीटली सिक्स मीटर ईस्ट में है किसके एफ के गॉट इट तो ये आपको साथ में ध्यान में रखना है पॉइंट एफ से ई e भी हमारा क्या हो रहा है कनेक्ट हो रहा है पॉइंट ई e जो है फोर मीटर नॉर्थ में है तो पॉइंट ई e आपको कहां पे हो जाएगा बिल्कुल आपके यहां पे ये ये फोर तो पॉइंट ई e बिल्कुल सी के कहां होगा ईस्ट में होगा बिल्कुल लाइन वाइज पे सेम उस पे पैरेलल उस पे क्या करेंगे लाइन पॉइंट्स यहां पे होंगे ठीक है तो दिस इज आवर फाइनल डायग्राम अبتدي क्वेश्चन क्या पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ सो पॉइंट बी जो है वो पॉइंट एफ के रिस्पेक्ट में सो so जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वहां से आप समझो ठीक है सो पॉइंट बी का पूछा है तो पॉइंट बी एफ के रिस्पेक्ट में कहां दिख रहा है आपको एफ में देखो नहीं आ रहा है समझ में तो अपना क्या है प्लेन इमेजिन कर लो कहां पे एफ पे तो एफ पे प्लेन इमेजिन करोगे ऊपर नॉर्थ होगा इधर वेस्ट है तो ये आपको दिख रहा है बीच की डायरेक्शन में देखो ये बीच की डायरेक्शन में दिख रहा है ऐसे तो कौन होगा नॉर्थ और वेस्ट की डायरेक्शन में कहा है नॉर्थ वेस्ट क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां से इफ पॉइंट जी इज थ्री मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई अभी पॉइंट जी है नहीं तो पॉइंट ई e के कितने थ्री मीटर टू द वेस्ट है ठीक है थ्री मीटर वेस्ट है तो पॉइंट जी हमारा यहां पे आ जाएगा थ्री मीटर है ये डिस्टेंस तो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा इस पॉइंट के राइट सो नाउ देन हाउ फार इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए तो ये पूछा गया है कि पॉइंट ए और पॉइंट जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा अब देखिए पॉइंट सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही जो ये है ये डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा पैरेलल है दोनों इक्वल है सी और जी एक ही लाइन पे होंगे ठीक है तो ये फाइव है तो ये भी कितना होगा फाइव मीटर होगा कितना होगा फाइव मीटर गॉट इट आगे बढ़ते हैं हाउ फार एंड इन विच डायरेक्ट एंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू ई तो सी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है ई e के रिस्पेक्ट में देखो ई e ये रहा ये करेक्ट इसके कहा है वेस्ट की डायरेक्शन में कहा है देखो ये कहा है करेक्ट इसके वेस्ट में है क्योंकि तो दोनों पॉइंट एक ही पैरेलल प्लेन में है ठीक है ऊपर नीचे नहीं है ये ध्यान रखना है तो यहाँ पे बनाते टाइम डायग्राम बनाते टाइम आपको क्या करना है बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाना है और डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट्स को रखना है ठीक है so, सो पॉइंट सी जो है ऐसे है पॉइंट ई e के तो वेस्ट की साइड है वेस्ट आपके जो भी वेस्ट वाला आंसर होगा ये दोनों में से एक आंसर होगा अब देखो डिस्टेंस कितना है थ्री ये पूरा हो गया और ये यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया पूरा सिक्स यहां से लेकर यहां तक सिक्स और ये प्लस थ्री कितना होगा ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ अ पर्सन स्टार्ट हिज कार फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स हिज वेस्ट एंड ड्राइव फॉर सिक्सटी मीटर एंड रीच हिज एंड रीच पॉइंट बी तो पॉइंट ए से कार कहां स्टार्ट कर रहा है वो वेस्ट डायरेक्शन में ठीक है Point a रहा आपका, ठीक ठीक है है, से से गया कोई लेके so, ले नीचे जाएगा जाएगा, वो, और कहां जाएगा, कहां पे पहुंचेगा इट विल रीच एट पॉइंट सी देन ही टर्न्स नाइन डिग्री इन एंटी क्लॉक अब देखो यहां से नाइन डिग्री क्लॉक मतलब पहले तो ये पर्सन साउथ फेस कर रहा है डिग्री आपका यहां होगा कहा होगा इधर को तरफ मूव करेगा यहां से वो ये वाले से आपका क्या करना है इस रेफरेंस पॉइंट से 90 आपको बनाना होता है नाउ नाउ दिस विल बी हिज क्लियर 30 30 वो नीचे की तरफ आएगा राइट right? he takes a turn of 135 meter, 135 degree in an anti-clock direction. Anti direction. आपकी क्या होती है लेफ्ट साइड ही होगी तो ये साउथ की तरफ है तो इसका एंटीक्लॉक इधर की तरफ बनाओगे आप ठीक है अब यहां पर आप देखिए वन थर्टी फाइव डिग्री का है सो so, एक बार नाइनटी करवाओ और एक बार फोर्टी फाइव डिग्री करवाओ किसको 135 डिग्री करने के लिए तो यहां से 90 करोगे तो इधर की तरफ अब उसकी डायरेक्शन होगी फेसिंग डायरेक्शन एंड नाउ आफ्टर 45 डिग्री और मूव कराओगे अब उसकी फेसिंग डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और वहां से वो क्या कर रहा है एंड रीचेज पॉइंट ए ई एक नए पॉइंट पे पहुंच रहा है पॉइंट ई e पे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ ही हुआ है और आगे देखो पॉइंट ई इज 70 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट e जो है मीटर ईस्ट में है देखो ये पॉइंट आपका थर्टी है 70 मतलब ये यह से लेकर सी से लेकर e है? है। so e यहां, so यहां, ले यहां तक का डिस्टेंस कितना करोगे आप यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आप करोगे फोर्टी मीटर वाई ये बाकी थर्टी हो गया सेवेंटी में से आधा कितना हो जाएगा सेवेंटी माइनस थर्टी फोर्टी तो साथ साथ ये भी बनाते रहो कि आपका जो फिगर होगा वो थोड़ा आपका ईजी रहेगा ठीक है अब देखो पॉइंट e है इट मीन डी से जो आपका डिग्री था वो ऐसे यहाँ पे मूवमेंट होगी ओके यू कैन ज्वाइन दिस तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा कवर हुआ है ओके okay, ये डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है डिस्टेंस ये वाला कवर हुआ है तो जर्नी यहां से डी से ई e है ठीक है आगे देखिए खत्म हो गया यहां से हमारी ये क्या है ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन दिस इज आर फाइनल पॉइंट ओके आगे देखो पूछा क्या गया व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई सो दे आर फाइंडिंग आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई तो डी और ई e के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो ये वाला से, यहां से लेकर यहां तक पे ये क्या बन रहा है एक राइट right ट्राइंगल बन रहा है राइट right? सो so, यहां से हमारे पास दिस वन इज फोर्टी डिस वन इज फोर्टी मीटर सो इट मीन ये वाला मुझे लंबी वाली साइड का जब भी डिस्टेंस निकालना होगा फोर्टी का स्क्वायर प्लस फोर्टी का स्क्वायर आप निकालते हो सो so यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे पास फोर्टी का स्क्वायर फोर्टी का स्क्वायर है तो देखो दो बार आ रहा है सो so फोर्टी का स्क्वायर आप इस तरह से लिख सकते हो राइट right? अब देखो फोर्टी का स्क्वायर एंड अंडर रूट से ये चीज कैंसिल हो जाएगी क्योंकि फोर्टी का स्क्वायर करो और बाहर एक अंडर रूट है आपके पास तो दोनों चीज कैंसिल हो गई फोर्टी आपका बाहर आ जाएगा एंड अंडर रूट टू आपका अंदर रह जाएगा कैसे क्योंकि टू का तो स्क्वायर रूट कुछ होगा नहीं फोर्टी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट तो फोर्टी आपका बाहर आ गया राइट सो ई विल बी द करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ई सो पॉइंट बी के कौन पॉइंट uh, बी जो है ई e से कौन से डायरेक्शन में है सो हे पॉइंट बी पॉइंट ई कौन से डायरेक्शन में आपको दिख रहा है पॉइंट बी ई से नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन कौन सा है नॉर्थ डायरेक्शन right? so वाला क्वेश्चन है तो ध्यान रखो दोनों पॉइंट हैं आपके इनके बीच में कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे सी ए डी सी और डीई तो सी और ए ऐसे है सी यहां है ए यहां है डी यहां है और सी यहां डी यहां है सी यहां है ओके डी यहां है ई e यहां है आगे देखो ई e यहां है बी यहां ई e ये रहा बी रहा इसका मतलब सारे जो पॉइंट है या तो नॉर्थ वेस्ट है नॉर्थ ईस्ट है ठीक है सी और बी सी ये रहा बी रहा सारे जो पॉइंट है इसमें जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट है ये यहां पे हमारे पास क्या है साउथ की तरफ है और दूसरा जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में है यहां पे जो सी और बी में पॉइंट है ये दोनों क्या है C के करेक्ट बी नॉर्थ में आपका क्या है पॉइंट बी है जो कि सबसे डिफरेंट है सब में सारी सिमिलरिटी क्या है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की यहां पे क्या है करेक्ट नॉर्थ में सो आंसर ऑफ पीआई क्यू ट्वेंटी एटीन इसको देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन में पॉइंट ए इज थ्री मीटर वेस्ट सॉरी थ्री मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी ठीक है पॉइंट बी से आपका ए जो है वो तीन मीटर ईस्ट में है डी इज फोर मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के इज सेवन मीटर ऑफ पॉइंट जे अभी तक है नहीं हमारे पास डी इज फोर मीटर साउथ ऑफ ए अब डी जो है वो चार मीटर कहाँ है साउथ में है ठीक है किससे ए से तो ए यहां पे होगा और डी यहां से चार मीटर नीचे राइट right? आगे देखो डी से आपके पास सी भी है पॉइंट डी इज फोर मीटर नॉर्थ ऑफ तो डी जो है वो चार मीटर नॉर्थ है किसके के तो ये डिस्टेंस भी फोर मीटर हो गया ये वाला अभी हमने लिख, लिखना है बाद में जो है हमारे पास मीटर ईस्ट ऑफ सी एंड पॉइंट बी इज फाइव मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ तो जो बी है वो कितने मीटर नॉर्थ है पांच मीटर विल बी एट दिस यहाँ पे आपका एफ हो गया फाइव मीटर से राइट right? डी से थोड़ा नीचे के डायरेक्शन में अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे एफ से हमारे पास जी कनेक्टेड था जी विच इज सिक्स मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ जो पॉइंट एफ से है जी कहाँ है वेस्ट के डायरेक्शन में है so, जी आपका यहाँ पे हो जाएगा ठीक है सिक्स मीटर वेस्ट पॉइंट एल इज मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी तो पॉइंट एल इज फोर मीटर साउथ तो पॉइंट एल विल बी समवेयर हियर ठीक है आगे देखिए पॉइंट एम इज मीटर साउथ ऑफ ई विच इज फोर मीटर वेस्ट ऑफ एन सो पॉइंट ई हियर इज फोर मीटर वेस्ट ऑफ एन तो यहां पे आपका ई पॉइंट है इसको थोड़ा पीछे को बना लेते हैं ये हो गया हमारा पॉइंट ई e. यहां से लेकर ईस्ट में हमारे पास पॉइंट एन है जो कि कितने डिस्टेंस पे है? फोर मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एन तो फोर मीटर डिस्टेंस है हमारा से लेकर तक साथ में ध्यान रखना है। आगे देखो क्या कहा गया है पॉइंट के इज पॉइंट एम इज फाइव मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ई पॉइंट ई से पांच मीटर साउथ पे है आपका पॉइंट एम क्लियर आगे देखो पॉइंट के जो है थ्री मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू है पॉइंट क्यू भी नहीं है अभी तो के भी नहीं है अभी छोड़ो इसको आई इज फोर मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए अब आई जो है वो फोर मीटर ईस्ट है सो so, यहां पे हमारे पास आई हो जाएगा ये वाला पॉइंट क्या हो गया आई ओके फोर मीटर के डिस्टेंस पे आगे देखो पॉइंट जे इज सिक्स मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट आई पॉइंट जो जे जो है वो सिक्स मीटर नॉर्थ में है एंड के जो है वो जे से था यहां पे पॉइंट के जो है वो सात मीटर वेस्ट है जे के अब देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फोर है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस थ्री है तो सेवन कहां जाएगा यहां तक जाएगा पूरा ऐसे करके सो के विल बी एट दिस प्लेस एट सेवेंथ मीटर ठीक है यहां पे बी और के पे आपके पास क्या है बिल्कुल नॉर्थ में है राइट सो दिस इज आर कंप्लीट डायग्राम ऑफ आगे बढ़ते हैं यहां से क्या क्या है क्वेश्चन में वट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एन एंड पॉइंट के तो एन और पॉइंट के में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है देखो कहा है के है आपके पास दिस इज एन और दिस इज के तो यहां से लेके यहां तक हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ये वाला ये वाला राइट तो देखो जितना भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बन रहा है आपको इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाना होता है ये यहां से लेके ये जो है आपका पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक तो हमारा थ्री है क्योंकि ये वाला थ्री तो तो प्लस फोर प्लस फाइव राइट सो दिस इज नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व right? so, तो ये हमारा कितना आ जाएगा ट्वेल्व ये वाला डिस्टेंस देखो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना सिक्स है यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितना है राइट और यहां यहां से लेके तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका देखो ये डिस्टेंस तो नीचे है बट ये डिस्टेंस ऊपर है इसके तो आप कंप्लीट फोर नहीं ले सकते राइट यहां से लेके आपको यहां तक का डिस्टेंस कितना मिल रहा है फोर प्लस फोर एट ठीक है और ये कितना हो गया सिक्सटीन तो हमारे पास ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गया सिक्स प्लस एट फोर्टी राइट सो नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको के और किसका निकालना था एन का निकालना था के और एन का राइट सो एन एन के इज इक्वल टू अंडर रूट फोर्टीन का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा कि ये डिस्टेंस कैसे निकला है तो कंप्लीट आप राइट एंगल बनाओ जहां तक वो बन रहा है आपको पूरा बेस का डिस्टेंस निकालना है फिर आपको ये पूरा डिस्टेंस निकालना है और ये जब अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाया होगा क्लियर बनाया होगा तभी आपको अच्छे से आ, मिल पाएगा विजिबल होगा ओके चलिए सो नाउ इसका होता है वन और इसका हो गया हमारा वन तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे पूरा आ जाएगा ये यहाँ पे हमारा थ्री फोर्टी सो अंडर रूट थ्री फोर्टी विल बी द आंसर ठीक है अब इसका कोई, कोई तो स्क्वायर रूट होता नहीं है सो थ्री फोर्टी मीटर ही आपका आंसर आएगा राइट चलिए इफ पॉइंट डब्ल्यू इज थ्री मीटर ईस्ट ऑफ जे एंड पॉइंट बी इज फोर मीटर नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू वट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड एल तो पहले इसको बनाओ क्या बोल रहा है ये सो so पॉइंट जो है वो तीन मीटर ईस्ट है जे के तो देखो जे कहा है जे हमारे हाँ so यहां पे कौन हो गया चार मीटर नॉर्थ है डब्ल्यू के सो वी इज ऑल्सो फोर मीटर नॉर्थ वी आपका यहाँ पे हो गया ये डिस्टेंस हो गया फोर का आप आगे देखो वट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड एल सो वी आपका ये रहा एल कहा है ओके सो यहां यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अब आपको फाइंड आउट करना है यहां से लेकर ये पूरा डिस्टेंस यहां तक का राइट अब देखो पूरा राइट एंगल ट्राएंगल बनाओ कैसे बनाओगे आप यहां से बनाओगे पूरा ये तो ये वाला पूरा राइट एंगल ट्राएंगल बनाओगे राइट ये ऐसे करके पूरा बनेगा अब देखो, देखो काउंट करो यहां पे कितना डिस्टेंस आ रहा है यहां से लेकर यहां तक तो ये फोर हो गया ठीक है और यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया फाइव हो गया देखो अब आपका ट्रायंगल यहां से बन रहा है तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 4 4 5 एंड 5 6 ये भी होगा और ऊपर से जो 4 मीटर आ रहा है वो भी होगा सो तो आपको l से लेके कहां के ये वाले पॉइंट को सपोज दिस पॉइंट इज यहां पे पॉइंट का नेम दे दो पॉइंट z ठीक है सपोज दिस पॉइंट इज पॉइंट z सो l से z की तरफ आपका कितना होगा l z लुक 4 5 6 4 प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस फोर कितना डिस्टेंस आएगा ये हमारा होगा टेन फिफ्टीन और नाइनटीन मीटर गॉट इट. आगे देखो ठीक है नाइनटीन मीटर यहां से हो गया अब आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है वो बेस वाला जेड से लेकर वी तक का जेड से लेके वी तक का दिस इज आर वी ठीक है ये V है अब देखो Z से लेके V तक आपका क्या क्या आ रहा है ऊपर से देखिए यहां से लेके वहां तक तो सेवनटीन है ये बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये 6 है तो ये भी आपका क्या है ऊपर डिस्टेंस भी सिक्स होगा ठीक है ये कंप्लीट डिस्टेंस थ्री है और ये वाला कितना है? 6 है। तो देखो आपको करना है जेड वी इज इक्वल्स टू सेवन प्लस सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया ये सिक्सटीन तो अब आपको निकालना है वी से लेके एल का तो आपके पास आ जाएगा सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस नाइनटीन का स्क्वायर कितना हो गया टू फिफ्टी सिक्स प्लस थ्री राइट right? देखो ऐड करो दोनों को सेवन वन और ये हो गया सिक्स तो सिक्स वन सेवन अंडर रूट विल बी द करेक्ट आंसर ये हमारे पास आंसर आएगा राइट तो

इज थ्री मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू तो के कहा है थ्री मीटर नॉर्थ मतलब क्यू हमारे पास यहां पे है राइट सो क्यू बिटवीन के और बी के बीच में है ठीक है अब आप देखो कहा का, का पूछा है? पॉइंट एम का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू क्यू नीचे की तरफ दिख रहा है साउथ में और ईस्ट की तरफ में दिख रहा है सो आंसर विल बी साउथ ईस्ट चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व

और यहां पे ओ है अब ये लाइन भी है ये तो लाइन बनी हुई है राइट ऐसे करके ठीक है अलग अलग डिस्टेंस है जिसमें आपके पास ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट Z, ओके M एंड Z मेजर कर रहे हैं 15, एन Z जो है वो 20 है ओ जेड इज 12 एंड पी जेड इज 10 मीटर क्लियर तो यहां पे से आगे देखते हैं करिश्मा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट M कहा से स्टार्ट करें पॉइंट एम से, so, से करिश्मा ने स्टार्ट किया नाइन मीटर वेस्ट डायरेक्शन में आपका यहां पर बनेगा नाइन मीटर ठीक है इन द वेस्ट एंड टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक्स अगेन फोर मीटर यहां से फोर नीचे टिल पॉइंट एफ यहां से सिक्स मीटर तो यह आपका क्या होगा एफ हो गया, F हो गया. आगे देखो तन्मय नया पर्सन है यहां पे स्टार्ट फ्रॉम पी वॉक्स नाइन मीटर यहां से स्टार्ट करके नाइन मीटर कहा साउथ की डायरेक्शन में ऐसे एंड टर्न राइट करके आपका इधर जाएगा और कितना चला है सिक्स मीटर ठीक है एंड देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स फोर मीटर यहां से एक राइट टर्न लेके फोर मीटर चला टिल पॉइंट जी तो ये पॉइंट जो है हमारा ये क्या है जी पॉइंट है ये वाला अब देखो यहां से लेकर यहां तक का दिस कंप्लीट नाइन है ये वाला फोर है तो ये वाला कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा सेम ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक सिक्स है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा क्लियर आगे देखो गीता फ्रॉम पॉइंट ओ एंड वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन ठीक है गीता स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ एंड वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन थ्री मीटर यहां से पॉइंट ओ से स्टार्ट करके थ्री मीटर नीचे की तरफ ऐसे करके ठीक है थ्री मीटर इतना हो जाएगा एंड टर्न टू लेफ्ट यहां से टर्न लेफ्ट करके यहां से लेफ्ट करके इधर मुड़के उसने कितना कवर किया सिक्स मीटर

वट इज दिस्टेंस बिटवीन एम एंडस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यह आपको कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा right? ट्राइंगल बनेगा यहां से तो so, ये कम्पलीट डिस्टेंस आपको निकाला है यहां से लेकर यहां तक अगर आप ध्यान दो ये कम्प्लीट एम से लेकर जेड तक तो आपको ऑलरेडी पता है विच इज फिफ्टीन और ये वाले पॉइंट पे से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा थ्री क्योंकि ये भी थ्री है तो ये भी तो थ्री होगा तो फिफ्टीन प्लस थ्री इट विल बी इट कितना होगा आपका राइट सो एटीन स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर एटीन स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ये थ्री ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स इतना, इतना आ रहा है ये

ट्राइंगल कैसा बनना चाहिए यहां से लेकर यहां तक का ये ठीक है ओके अब देखो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये आधा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का आपको ढंग से निकालना है ये देखो ये कंप्लीट डिस्टेंस फाइव दिख रहा है आपको ये वाला डिस्टेंस ठीक है तो इट विल बी फाइव प्लस ये डिस्टेंस चाहिए ये वाला यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा आधा ऊपर का फोर हटा दो फिफ्टीन में से फोर हटा दो इलेवन प्लस फिफ्टीन इट विल बी सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस नीचे वाला कितना होगा देखो यहां से लेके यहां तक तो हम आराम से कर सकते हैं ये कंप्लीट टेंथ था पूरा और ये आधा यहां से लेके यहां सिक्स था तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा इट विल बी फोर और ये छोटा डिस्टेंस भी चाहिए आपको एट इतना वाला ये कैसे निकालोगे देखो यहां से लेके यहां आपको दिख रहा है थ्री है बिल्कुल राइट ये इतना हमारा थ्री था तो ये भी थ्री होगा राइट right? क्यों होगा देखो एफ से हमने डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन नीचे को खींची है इस वजह से ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है राइट सो इट विल बी फोर प्लस थ्री सेवन का स्क्वायर सो so सेवन का स्क्वायर गॉट इट सो नाउ इट विल सिक्स प्लस फोर्टी नाइन अंडर रूट इतना आ जाएगा ये फाइव विल बी आर करेक्ट आंसर ठीक है चलिए

एक आपका दो जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो हमेशा कहां है नॉर्थ ईस्ट में है अभी के लिए ठीक है एन और जी कहां है एन ये रहा G रहा अगेन नॉर्थ ईस्ट तो अब आपको सिमिलैरिटी पता चल गई है बाकी थ्री ग्रुप्स में इट विल बी नॉर्थ ईस्ट सेकेंड पॉइंट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है Z देखो जी और Z जी ये रहा और Z कहा है ऊपर की साइड उल्टी डायरेक्शन में तो इट मीन दिस विल बी आर करेक्ट आंसर ओके ये हमारा ऑर्ड वन आउट है नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास ये क्या है एक कोडेड डायरेक्शन फॉर्म है बहुत ही सिंपल है आपको बस क्या करना है कोडेड फॉर्म को अच्छे से डीकोड करना है और कई बार आपके यहाँ पे लॉजिकल बेस्ड डिस्टेंस भी आता है उसे एक बार डीकोड करके आपको इसका कंप्लीट डायरेक्शन बनाना है और क्वेश्चन विल बी सेम ओके नाउ ये देखो टेन से लेके आपका क्या किया यहां पे 20 है यहाँ पे ट्वेंटी है यहाँ पे ट्वेल्व है यहाँ पे 12, है इट मीन सेम डिस्टेंस नहीं हो रहा है कुछ डिफरेंट डिस्टेंस है ऑल्सो परसेंटेज का मीनिंग नॉर्थ है हैश का मीनिंग साउथ है द रेट का मीनिंग वेस्ट है इस एंड uh, का मीनिंग आपका ईस्ट डायरेक्शन है और अगर दो ऐसे आपके स्कॉट्स एक साथ लगे हैं तो इनका मतलब हो गया देते हैश और द रेट है तो अगर इंडिविजुअली ये क्या है साउथ है और वेस्ट है तो आपके पास साथ में क्या बन जाएंगे साउथ वेस्ट बन जाएंगे इस तरह से देखना आपको ये ठीक है अब देखिए इसको देखो 10 है 20 और हो सकता है डबल होगा 12 है 22 है अब डबल नहीं है यहां से हो रहा है प्लस टेन यहां से हो रहा है प्लस टेन थर्टी प्लस फोर्टी ये भी प्लस टेन हो रहा है ठीक है तो सब जगह प्लस टेन हो रहा है इसका मतलब जो डिस्टेंस यहां पे आपको गिवन होंगे वो डायरेक्टली पुट नहीं करके प्लस टेन आपको पुट करना होगा ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट Q और P ठीक है क्यू P पी से वी भी है वी से G भी है तो क्यू पी से स्टार्ट कर रहे हैं अब देखो Q ये रहा आपके पास एंड है Q जो है आपके पास ईस्ट डायरेक्शन में है P से ठीक है Q जो है ईस्ट डायरेक्शन में P से तो आपके पास P यहां पे होगा और Q आप यहां पे लिखो कितने के डिस्टेंस पे कहा 25, तो 25 है? तो आपको करना पे। P परसेंट V, P से जो परसेंट है P जो है नॉर्थ में है V के राइट P जो है V के नॉर्थ में है ऐसे और कितने के डिस्टेंस पे 5 प्लस 10 15 के डिस्टेंस पे सो इट विल बी वी एट दिस प्लेस वी एट द रेड जी वी जो है वो वेस्ट में है जी के कितना 30 प्लस 10 40 सो so वी जो है वो 40 मीटर जी के आपके पास कहां है यहां ऐसे राइट right. टी और जी का देखो टी हैश जी टी जो है वो साउथ में है जी के कितना 20 करके 10 प्लस 10 आप करोगे आगे देखिए डब्ल्यू एट द रेट टी तो डब्ल्यू जो है टी के थर्टी एट प्लस टेन फोर्टी एट से तो यहां से लेकर यहां तक आएगा यह डिस्टेंस आपको डब्ल्यू विड बी एट दिस प्लेस क्योंकि यहां से लेकर यहाँ तक फोर्टी है तो ये पूरा फोर्टी एट आगे जाएगा ठीक है तो आगे देखिए डब्ल्यू और आर थर्टी नाइन डब्ल्यू से आर डब्ल्यू हैश आर डब्ल्यू जो है वो साउथ में है आर के तो आर विल बी समेर एवर ऐसे करके और कितना रेट मींस नॉर्थ वेस्ट ऑफ क्यू सो आर के आपका जो क्यू है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए इस टाइप से और डिस्टेंस नहीं गिवन है तो इतना ही आपके पास ऐसे मिलेगा राइट सो नाउ दिस इज आर कंप्लीट डायग्राम क्वेश्चन देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी सो डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इट विल बी नॉर्थ वेस्ट ओके नेक्स्ट देखो इफ अ पॉइंट वाई इज लोकेटेड 4 14 मीटर टू द साउथ ऑफ आर एंड वेस्ट ऑफ पी सो कोई भी पॉइंट है वेस्ट ऑफ पी मतलब यहां पे आपको रखना है और साउथ ऑफ आर मतलब वाई शुड बी यहां पे आपने माना सपोज सो

यहां पे जो ये हमारा डायग्राम है आर और क्यू है तो आर परसेंट है आर शुड बी नॉर्थ आर क्या है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है ठीक है आर हमारा यहां पे से नॉर्थ में है और क्यू के ठीक है और क्यू का कोई यहां पे पी भी है तो यहां पे हमारे पास आर है तो ऐसे करके यही आपको डिस्टेंस दिखाया गया है राइट क्यू ऑलरेडी था हमारे पास यहां पे राइट क्यू और पी तो ऑलरेडी था तो आपके पास ऐसे है आर बी चलो आगे चलते हैं यहां पे से इफ पॉइंट वाई हाँ पॉइंट वाई आपका यहां पे है पॉइंट वाई जो है यहां पे और ईस्ट है एंड वेस्ट ऑफ पी तो पॉइंट वाई हमने यहां पे मान लिया कितने के डिस्टेंस में फोर्टीन के डिस्टेंस पे ओके ठीक है आगे देखो तो पूछा गया क्यू और वाई के बीच का क्या डिस्टेंस होगा तो यहां से लेकर यहां तक का थर्टी फाइव डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा देखो थर्टी फाइव में से बाकी बचा हुआ डिस्टेंस देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा आपका एट कितना हो गया एट और आप देखो यहां से लेके यहां तक थर्टी यह फाइव है प्लस 8 कितना हो गया इट बी वाई और वी के बीच का ये जो वाई है और इसके बीच का डिस्टेंस पूछा इट मीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो इन दोनों के बीच का जो तो डिस्टेंस है वो ऐसे आएगा आपका एक ट्राइंगल बनाओ इमेजिनरी ये बन रहा है यहां पे राइट सो फाइंड आउट दिस डिस्टेंस वाई एंड सो एंड आपके पास कैसे होगा सो वाई एंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ये डिस्टेंस हमारा फिफ्टीन गिवन है ऑलरेडी और इस डिस्टेंस को अभी अभी हमने निकाला है दैट विल बी एट ये डिस्टेंस 15 है ही ये हमने अभी अभी निकाला है 8, दो डिस्टेंस है हमारे पास सो इट विल बी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, तो देखो कितना आ रहा है ये 9, 8 और 2, अब आपको पता है 289 किसका स्क्वायर रूट होता किसका स्क्वायर होता है 17 का सो so 17 मीटर विल बी आर आंसर है ठीक है वॉट इट लास्ट क्वेश्चन इफ अर्ल वॉन्ट्स टू ट्रेवल फ्रॉम टी टू क्यू टेकिंग टेकिंग दॉर्टेस्ट रूट टी से क्यू जाना है उसे कहां है टी ये रहा Q ये रहा तो आप देखोगे ध्यान से तो T और Q में एक ऐसे करके लाइन बन रही है सीधी लाइन नहीं है तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा ये बताना है बस तो अगेन आपको यहाँ पे एक पॉइंट देखना है ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे इमेजिनरी टाइंगल बनाओ ये कंप्लीट डिस्टेंस निकालो ये छोटा सा डिस्टेंस निकालो देखो अब आपको ये कंप्लीट डिस्टेंस पता है दैट इज फोर्टी एट राइट ओके okay? अब यहां से आपको छोटा सा डिस्टेंस कैसे पता चलेगा आपको ये फाइंड आउट करना सीखना है तो यहां से ये यह है।, यह तो यह यह है यहां से लेके यहां तक और ये कंप्लीट फोर्टी एट है तो ये बाकी बचा फोर्टी एट माइनस फोर्टी थ्री कितना हो गया ये वाला डिस्टेंस हमने निकाल लिया फाइव कितना निकाल लिया फाइव सो इजिली वी फाउंड उंड और ये कंप्लीट डिस्टेंस आधा देखो कितना होगा यहां से लेकर यहां तक इट इजी ये हमारा कितना है है और ये बाकी बचा कितना सो इट इट विल बी तो आगे देखिए इट शुड बी थर्टी फाइव स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर सो थर्टी फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर तो ये हो गया हमारा टू ट्वेल्व टू फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव तो ये हमारा यहां पे आ जाएगा 1, 2, 5, 0. कितना आ जाएगा 1, 2, 5, 0. तो से की तरफ आपके पास कैसा हो ठीक है 15 plus 20. Okay. तो थर्टी फाइव स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर सो ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव इट विल बी ट्वेल्व फिफ्टी ठीक है अंडर रूट करके निकालो अब आप देखो यहां पे से इसको अगर हम करेंगे फाइव से करो इसको नॉर्मल एलसीएम ले लो ट्वेंटी करोगे करो करो आपका टू रह गया तो इसका पेयर बन, बन गया इसका मतलब 25 तो बाहर आ जाएगा यहां से 25 विल कम रूट आपका पे रह जाएगा सो so ट्वेंटी रूट 2 विल बी आर आंसर ठीक है अगर ऐसे नहीं कंप्लीट गिवन था तो आप वहां पे से ऐसे एलसीएम लेके भी वहां पे देख सकते हो राइट चलिए सो दिस लास्ट क्वेश्चन आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड नाउ द क्वेश्चन और आपको पता है कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आने के तो आपको क्या करना है अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना और को है और डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना है राइट तो ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है बस अगर हमने थोड़ा डायग्राम में परेशानी कर दी तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही वहां पे टाइम लगा देता है सॉल्व होने में राइट सो so, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विदा नेक्स्ट चैप्टर